दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टोरी को बिना नंबर सेव किए कैसे देख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने किसी का नंबर सेव नहीं किया, फिर भी यदि मैं इसकी स्टोरी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी स्टोरी है उसको देख सकता हूँ। यदि आप इस प्रकार से बिना सेव किए किसी की भी व्हाट्सएप स्टोरी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के अंदर जाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डायलर पेड के अंदर जाना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि +91 लगाना है। उसके बाद आपका जो भी नंबर है जिसकी आप स्टोरी देखना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे आपको लगा लेना है। मैंने उस नंबर को पहले से पेस्ट कर लिया है। बस मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको +91 लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों बस आपको क्या करना है कि ये जो राइट है इस पर क्लिक करके इस नंबर को सेव कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आप मान लीजिए कि मेरे पास एक व्हाट्सअप है, वो आगे वाले व्यक्ति का व्हाट्सअप है जो कि मैंने इस प्रकार से ओपन किया है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जब भी कोई भी स्टोरी अपलोड करता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करता हूँ इस प्रकार से, और स्टोरी जब यहाँ पे वो व्यक्ति अपलोड करता है तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो आगे वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर सब जो अपलोड की है। फिर यदि हम अपने व्हाट्सएप के अंदर जाके उसको देखना चाहते तो यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टेटस को ओपन करके इस प्रकार से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका जो स्टेटस है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।